हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते सब अपने घर पे बहुत ही अच्छा है। तो गाइस जो भी फ्रेंड मेरा चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो गाइस अब सुबह सुबह के टाइम है और मैं करने लगी ब्रूश, तो मैंने आज सोचा चलिए ब्रूश करते हुए आप लोगों से करते बातें। इस बार से मैं ब्रूश करते करते आप लोगों से बातें करने आई हूँ, क्योंकि आज नहीं है लाइट, तो अभी सुबह के बज रहे 8:30, तो 8:30 बजे अभी मैं सो के उठे सिर्फ झाड़ू लगाया, अभी पूछा उछा कुछ तो लगाया नहीं। तो मैंने सोचा झाड़ू लगा के सबसे पहले करते ब्रूश और करते आप लोगों से बातें। तो अभी लाइट नहीं है तो पीछे बाथरूम में बिल्कुल अंधेरा है, तो अंधेरे में इसलिए तो मैंने बाथरूम के सामने खड़े हो गए। तो चलिए आगे, आज सुबह सुबह तो बहुत ही ज़्यादा काम है, तो पहले करते एक काम फिर आप लोगों से करते। तो गाइस ब्रूश करने के बाद अब मैं लेके बैठ चुकी हूँ कपड़ा, क्यों टेंकी के पानी इतना ज़्यादा ठंड है, तो क्या करूँ, कपड़ा तो धोना है, तो सुबह सुबह काम कर लूँगी तो अच्छा भी होते, सुबह सुबह के काम जल्दी भी होते, और सुबह सुबह काम करने में मन भी लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है सुबह के काम करने में। ये आप लोगों के भैया जी को इनार है तो इसको भी मुझे धोना, क्योंकि वो क्या करते पता है, जब तक मैं नहीं बताती उनको उतारने के तो अब तक वो पहनते ही रहते, चाहे गंदे हो चाहे कुछ भी, उनको आदत ही ऐसे है। तो मैं तो एक दिन पहनते, दूसरा दिन मैं धो देती हूँ, लेकिन जब तक मैं बताती नहीं तब तक वो पहनते ही रहे। तो कभी कभी मैं गुस्से में नहीं बताती, जो नहीं नहीं बोलेंगे तो देखते, तो जब तक नहीं बोलूँगी तब तक नहीं उतरेंगे। तो एक दो कपड़ा आपको भैया जी को है, एक दो कपड़ा मेरा है, तो कपड़ा नहीं धोंगे तो गंदे कपड़ा, तो ठंडी में ठंडी भी बहुत लग रही है, क्योंकि टेंकी के पानी बहुत ज़्यादा ठंडे, और लाइट के इंतज़ार करूँगी तो पता नहीं 12 बज जाए, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि इधर के लाइट को कोई पता नहीं कब आता है कब जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। तो कपड़ा मैं धो रही हूँ, इतना ठंड है, सब लोग देख ही रहे, जल्दी जल्दी मैं पानी में डाल रही, निकाल रही हूँ कपड़ा, तो क्या करें अब इसी पानी से मुझे नहाना ही है। तो अब मैं बैठ चुकी हूँ नहाने, क्योंकि जब तक नहीं नहाऊँगी तब तक पूजा चाय नाश्ता कुछ भी नहीं बनेगा मेरा। तो ऐसे आप लोग के भैया जी भी बिना नहाए के कुछ नहीं खाता, और मैं तो बिना नहाए के 12 बज जाए 2 बज जाए, जब तक मैं नहाऊँगी नहीं तब तक मैं कभी बनाती ही नहीं कुछ भी नहीं, चूल्हा तक नहीं जलाती। कभी कभार के बात अलग है, जब हम दोनों रहते तब तो कभी नहीं करते, तो नहा के पहले अपना कपड़ा डालते सुखाने, तब लोग देख ही सकते हो कपड़ा भी डाल रही हूँ मैं, तो छत पे ही मतलब रस्सी टंगे तो छत पे धोए छत पे ही टांग देती हूँ कपड़ा। फिर मुझे जाना है नीचे, नीचे जाके भी थोड़ा और काम है, तो नीचे अब मैं बना रही हूँ चाय, तो अदरक डाल के काली चाय, सर्दी के मौसम में बहुत ही फ़ायदा होती है इस चाय पीने में, तो इसलिए मैं दूध चाय पीना कर दिया बंद और काली चाय पीने लगी। तो अब मुझे जाना है, तो खाना आना तो मैंने दोपहर को कंप्लीट कर दिया, जो आप लोगों को दिखा नहीं पाए क्योंकि अकेले के वजह से नहीं हो पाता, तो मैं कर रही जल्दी जल्दी। और फेयरा लवली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा क्रीम है, फेयरा लवली के अलावा मेरा चेहरा पे और कोई क्रीम सूट ही नहीं करती, तो इसलिए मैं और कोई क्रीम यूज ही नहीं करती, एक फेयरा लवली क्रीम और एक निविया बॉडी लोशन, बस ये दोनों चीज़ मेरा सबसे पसंदीदा चीज़ है, और कोई चीज़ तो मेरा चेहरा पे सूट ही नहीं करता है, ना हाथ पैर में कोई जगह पे। तो मैंने पहले तो वीवेल जो बॉडी लोशन है वो लगाया करती थी, लेकिन वो भी अब सूट नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं अब लगाती हूँ निविया बॉडी लोशन, लेकिन निविया जो वाइट वाला है वो भी नहीं सूट करता है, जब नील वाला है वो भी सूट नहीं करता, लेकिन ये वाला अच्छा है, ये वाला मुझे सूट भी करता है, इसका स्माइल भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं लगा रही हूँ पैर में, हाथ पैर में लगाते लगाते कौन मतलब कितने टाइम में हाथ में मुँह में लगा दूँगी आप लोगों के सामने, ये मुझे भी नहीं पता। तो मेरा नाखून हो रहा है ख़राब, तो क्या करूँ, ख़राब तो होते ही, जब कपड़ा वपड़ा धोते रहोगे तो ख़राब तो होना ही है, तो कुछ तो कर भी नहीं सकते। देखो जो मैंने बताया वही हालत कर रही हूँ मैं, और यही हाथ में मुंह पे लगा दिया, तो चेहरा पे अभी इतने टाइम बहुत ख़राब लगते, तो ये कुर्ती मुझे पहनना है, कुर्ती नहीं सूट मुझे पहनना है, तो चलिए इसको पहले पहन के आते हैं। तो ये इसका कुर्ती को कुर्ती मतलब सूट के गला इतना बड़ा है, तो इसलिए दुपट्टा ऐसे मुझे लेना पड़ा, ऐसे में तो दुपट्टा बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, आप सब ने देखा ही होगा,
मुझे दुपट्टा बहुत कम पसंद है, लेकिन कभी कभी लेना पड़ता है। तो या ऐसे सूट जैसे कोई शादी आदि पार्टी में हो तो बड़े गला के सूट चल जाते, लेकिन और कहीं जाओ तो अच्छा नहीं लगता है इस बार, इसलिए मुझे लेना पड़ रहा है ऐसे दुपट्टा। तो दुपट्टा मैं पिन इसलिए लगा रही हूँ, दुपट्टा जब मैं ऑटो में जाऊँगी दूर तो पिन भी नहीं हटेगा, कपड़ा दुपट्टा ख़राब भी नहीं होगा। तो पिन तो लगाना है यार, पिन लगाने में जो गला बड़ा है तो वो भी ढक जाएंगे, अच्छा भी लगेगा देखने में। तो ऐसे बहुत सारे लोग बोल लेंगे अरे तुम तो लेते नहीं कभी, तो मैं बहुत ही कम यूज़ करती, बहुत ही, क्योंकि दुपट्टा मुझे पर ऐसे लगता है बोझ जैसे मुझे महसूस होता है। तो मैं सबके तो बता नहीं सकते, सबको अलग अलग सोच है। तो इधर मैं तो पिन लगा ही नहीं पा रही, तो क्या कर, लगाने की तो कोशिश ही कर रहे तो लगा नहीं पा रही हूँ पिन, तो शायद लग गया, क्योंकि जो मेरा सूट है उसको इधर मैंने करवाया था फिटिंग की वजह से वही पे कपड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए वो जाए नहीं। अब बनाना है मुझे बाल, तो बाल का मेरा वही एक ही स्टाइल है, मैं चाहे शादी में पार्टी में जाऊँ तो वही एक ही स्टाइल है। कभी कभी मैं बाल छोड़ देती खुले बाल, लेकिन थोड़े बाल इस बार से सबके सामने शर्म भी आता है जी, इतना छोटा छोटा तो एक बाल है। ऊपर से जैसे मतलब हेयर कट तो मेरा है ही है, कितनी भी हेयर कट रहे लेकिन छोटा छोटा थोड़े बाल है, अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए मेरा यही है, क्लेचर लगा के यही फैशन में सब जगह देती हूँ। आप लोग मेरा रील्स में भी देखे होंगे, जो मैं शॉर्ट वीडियो बनाते उसी में आप लोगों ने देखा, अरे ऐसे लॉन्ग में तो मेरा हमेशा ही ऐसे रहते। तो चलिए और सबसे कीमती चीज़ लगा लेते ये है लिपस्टिक। तो लड़के को लिपस्टिक ना लगाए ऐसा कभी हो सकता है क्या? लड़की को तो लिपस्टिक, बिंदी, चूड़ी, ये तो लड़कियों को, काजल, ये तो आईलाइनर, ये तो लड़के को सबसे फेवरेट चीज़ है। अब मुझे लगता है लिपस्टिक लगाने पर चेहरा तो बहुत ही खुल जाता है, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं रेड कलर हमेशा लगाती हूँ क्योंकि मुझे रेड कलर पसंद है। मेरी जो बड़ी दीदी है उनको मेरून कलर पसंद है, और मेरी छोटी वाली बहन है वो रेड भी लगा लेता है मेरून भी, लेकिन मुझे रेड सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन अब की बार मैंने भी सोचा एक मेरून कलर ख़रीद लूँगी, क्योंकि मेरून कलर भी अच्छा लगता है कभी कभी। तो जब मैं दीदी घर पर जाती हूँ तब मैं लगा लेती हूँ, दीदी से जब कभी दीदी आ जाते तो दीदी के पास से लगा लेती हूँ मैं लिपस्टिक। तो लिपस्टिक तो लगाना लगभग कंप्लीट है, और भी कुछ लगाना है तो ये भी। मैं तो हमेशा सिंपली तैयार होती हूँ, ये आप सबने देखा होगा, मैं ज़्यादा मेकअप मुझे चेहरा पे सूट नहीं करते। मेकअप बॉक्स के जो मेकअप जो भी उसमें सामान है कोई चीज़ मुझे सूट नहीं करता है। तो अभी मुझे लगाना है कान, तो दीदी भी तैयार होकर आ गई, हम दोनों को जाना है दिव्यापुर। तो दिव्यापुर मार्केट में जाना है, तो ऐसे कुछ तो लेना नहीं है, लेकिन ये दीदी जो है इनके लड़का के लिए स्कूल के ड्रेस लेना है, तो पता नहीं देखा पाऊँगी या नहीं देखा पाऊँगी। लेकिन हाँ, दिव्यापुर में जहाँ जा रहे थोड़ा बहुत हम दिखाई देंगे आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना तो हम कर ही सकते। तो दीदी हंस रहा है और बोल रहे कपड़ा कैसे लग रहा है, तो मैं बोले अच्छा लग रहा है साड़ी सच में, तो बोल रहे नहीं यार सच बोलो, तो मैं सच बोले तो बोले एक दुकान पर और मैंने पूछी थी तो 600-700 रुपये, तो मैंने बोला चलिए सही है। तो दिव्यापुर जब शोरूम से आप खरीदेंगे तो थोड़ा महंगा तो लगा ही लेंगे, देखो सब अपना अपना बिजनेस है। तो यही बात से दीदी बोल रहे तुम सबको यही बात सामने यही बात बोल रहे, तो कोई बात नहीं। तो आ गई फाइनली दिव्यापुर में, हम तीनों चारों दीदी के लड़का तो दिव्यापुर में स्कूल में ही पढ़ते हैं, तो इसलिए वो तो दिव्यापुर में ही मिल गई। और हंस रहा है दीदी, उनको लड़का इधर बैग लेके खड़े, उसको लेना अपना स्कूल के लिए ड्रेस तो नहीं है, वाइट पैंट लेना है, तो इसलिए हम सब आ गए दुकान पर। और जो पीछे और एक दीदी है उनको लेना है अपना लड़का के लिए बर्थडे के लिए कप। तो गाइस आज का ब्लॉग यहाँ पे करते एंड, फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सब लोग अपना घर पे सुस्त रहे, मस्त रहे, और मेरा वीडियो देखते रहिए।